आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैगल एकेडमी। तो आज मैं आपके सामने ट्रिक बताने जा रहा हूँ, हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है बेटा, इसमें क्या चीज होती है कि आपको एक ट्रिक्स बताई जाएगी जिसके अंदर आप इजी लर्न कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, इसमें एक ट्रिक दूंगा आपको। तो वो ट्रिक क्या है, आओ देखते। इसमें है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। ओके, देखो पंडित है तो हर हर तो बोलेगा ही, तो वो आपको इजी लर्न हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, ठीक है, आपको लर्न हो गया। P means क्या होता है, परपेंडिकुलर। B means क्या हो गया, बेस। H means क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। सेम वैसे परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। ओके, अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन कोस यहां लिखना है टेन। ठीक है, यहां क्या लिखोगे, कोसेक, इधर आ जाएगा सेक और इधर आ जाएगा कोर। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, कोस का सेक होता है, टेन का कोट होता है। ठीक है, तो आपने लर्न कर देना है साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट, आपका फॉर्मूला बन चुका है। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, सिक्स आपके फॉर्मूले यहीं से ही आपको समझ में आ चुकी है। वो कहोगे आप सर कैसे, तो आप देखो साइन का फॉर्मूला क्या बन गया, पी अपॉन एच। ठीक है, ये अपॉन ये, कोस का क्या बना, बी अपॉन एच, टेन का क्या बना, पी अपॉन बी, कोसेक का क्या बनेगा, रिवर्स कर दो क्योंकि मैंने बोला रिवर्स होता है इसका, एच अपॉन पी, सेक का क्या बना, एच अपॉन बी, और कोट का क्या बना, बी अपॉन पी। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, पी अपॉन एच। उसके बाद आता है कोस थीटा, थीटा मीन्स होता है एंगल, तो क्या हो गया, बी अपॉन एच। उसके बाद है टेन थीटा, टेन थीटा का क्या बना, पी अपॉन में डी। उसके बाद कोसेक, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बना बेटा, एच अपॉन में पी। उसके बाद आता है सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा का फॉर्मूला क्या बना, एच अपॉन में बी। उसके बाद आता है कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या बना आपका, बी अपॉन में पी। अब सुन लो, ये जो फॉर्मूला होता है ये राइट एंगल पे लागू होता है, राइट एंगल पे ध्यान रखना है। ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये ओनली राइट एंगल पे होता है, इसमें वन एंगल राइट एंगल होना मस्ट है, बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो राइट एंगल में होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। अब मैं आपको बता रहा हूं पी मींस क्या होता है, परपेंडिकुलर। बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, परपेंडिकुलर सर ये माने या वो माने, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, जिस पे चीज खड़ी होती है, स्टैंड होती है, उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है बेटा, अब ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। स्लैंट लाइन को, स्लैंट मतलब होता है टेढ़ी, जैसे सीढ़ी होगी आपकी, स्टेयर्स होगी घर की आती होती है, तो ऐसे तो देखो आप चढ़ नहीं पाओगे ना, तो वो तो देखो हिल स्टेशन में चढ़ते हैं हम, लेकिन हम घरों में तो ऐसे ही होती है ना। अब देखो अभी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक और सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो आपका फॉर्मूला इजी तरीके से आपको लर्न हो गया होगा मेरे हिसाब से, इस वीडियो को आपको समझ आ चुकी होगी कि पंडित बद्री प्रसाद, अगेन बोल रहा हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। अलग अलग तरीके से बच्चे बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉमेडी टाइप वाला है, तो आपको इजी लर्न हो जाएगा मेरे हिसाब से, आपको अच्छा भी लगा होगा, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। ठीक है, तो अब आपके पास ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी कि हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूला करो, कमेंट में आप लिखा करो कि आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, किस चीज में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो मेरे को कमेंट में जरूर लिखा करो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक डाल सकूं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, काफी वीडियोस डालता हूँ, डांस वीडियो सब, मैं मोटिवेशन वीडियो भी काफी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स के पीछे मैंने काफी वीडियो डाली। ओके, बाय।